एक एडवांस जावा का भी सेशन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अनाउंस हो जाएगा या आज कर दिया, हो गया आज। हाँ तो फ्राइडे रखें, फ्राइडे में कमेंट किया तो अटेंड कीजिएगा, उसमें आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। एडवांस जावा की जो कॉन्सेप्ट आपके अभी तक प्रॉब्लम थी ना कुछ, वो मैं ही हूँगा, मैं हूँगा और मेरे साथ अगर फ्री हुए वहाँ से सॉफ्टवेयर से कोई तो साथ में कोई सर होंगे वहाँ से। हमारा डेटाबेस चल रहा था इसको यूज करके स्टैक स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स के टेबल में प्रोडक्ट्स टू के नाम से आई थिंक बनाया था हमने, नहीं ये प्रोडक्ट्स है। इस टेबल में कुछ डेटा हम इंसर्ट कर लेते हैं, मजीद डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट करेंगे तमाम रोज डिलीट हो जाएंगे, नहीं लगता है। प्रोडक्ट्स कुछ डेटा इसमें रखने पहले, या मेरे को बना बनाया टेबल दिखा देता हूँ आपको, इतनी टाइम कम है हमारे पास। ये कुछ डेटा है ये हमारे पास। अब इसमें हमारे पास एसक्यूएल में सेलेक्ट में कुछ फंक्शंस हैं बनाए बनाए जिनको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे जावा के फंक्शंस हैं हमारे पास, मेथड्स हैं इस तरह इसके हैं। पहला मेथड है सेलेक्ट के साथ लिखेंगे मेथड हमेशा नाउ। अगर हम नाउ लिखते हैं तो ये हमें करंट डेट और टाइम दे देगा जो भी चल रहा है। सही, नाउ के लिए किसी टेबल की जरूरत नहीं है, कहीं टेबल से डेटा उठा के नहीं ला रहा, कोई फंक्शन ऐसे इसमें डेटा चाहिए वो टेबल के साथ लेगा। ये नाउ का फंक्शन है सिंपल। इसके बाद मेरे पास फंक्शन एक कि अगर मुझे इनमें से ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके प्राइस हैं टोटल सम देखना हो कि कितने प्राइस हैं, तो इसके लिए फंक्शन है मेरे पास सेलेक्ट सम कॉलम नेम जो भी है प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम टेबल। ठीक है, ये जो पूरा कॉलम है ना इसको सम करके लेके आ जाएगा 580 में। ठीक, इसके साथ कंडीशन लगानी है कि भाई वेयर कुछ भी हो सकती है कि प्रोडक्ट नेम लाइक परसेंट आई, कि जो प्रोडक्ट नेम आई से एंड हो रहे हैं उनके सम ले आए 256। अब आई से एक मैगी है, एक स्पैगेटी है, 220 और 36, 256 हो गए तो इनके सम ले आएगा। सम आपको किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी नंबर्स का सम दे देगा। अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे सम चेक करना है
क्वांटिटी का, तो यहाँ मैं प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख सकता हूँ, क्वांटिटी का सम आ जाएगा। अब हमें इसमें सम चाहिए प्रोडक्ट प्राइस का, और मुझे यहां पे टोटल ये देखना है कि मेरे पास जो टोटल आइटम्स है ना वो कितने के हैं स्टॉक। अब वो कैसे पता चलेगा हमें कि अगर लेस के प्राइस 25 है और 500 पीस हैं, तो 25 × 50 एक ही हो गया। फिर मैगी के भी उनको 36 × 1500 करके लगाऊंगा। तो हम इसमें करेंगे क्या कि देखें, सम प्रोडक्ट प्राइस प्लस सम प्रोडक्ट क्वांटिटी, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्वांटिटी, सारे प्राइस का सम निकालें, उनको मल्टीप्लाई करते टोटल क्वांटिटीज। तो हमें बता देगा टोटल इसमें स्टॉक में कितने अमाउंट का हमारे पास आइटम्स मौजूद। सही, दो कॉलम के सम लेके उनको मल्टीप्लाई कर दिया, या सिंपल अगर दो कॉलम्स हो उनको मल्टीप्लाई करना हो आपको। जैसे मेरे पास यहां पे ये कॉलम्स आ रहा है, मैं इसमें प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इस तरह करते हैं तो ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन दे देगा। सही, साथ में कोई और चीज भी ऐड करनी हो कि फिर नेम भी ऐड करना है, कॉमा देके, कॉमा का मतलब है एक और कॉलम, लेज इतने रुपीस का है, मैगी इतने का है, टोटल आइटम्स इतने के हैं, वो आ गए। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई तमाम ऑपरेशन इस पे रन हो गया हमारे। सही है, तो हमारे पास जो फंक्शन है इसमें वो ये है, सम का फंक्शन है, सम के बाद जो फंक्शन है हमारा वो है प्रोडक्ट का, इसमें नहीं वो मैक्स, मैक्स क्या करेगा आपको जो मैक्सिमम प्राइस होगा इस पर पूरे कॉलम में वो लाके दे देगा 250। साथ में अगर कॉलम नेम भी चाहिए या प्रोडक्ट नेम चाहिए मुझे साथ में, इस तरह कर सकते लेस 250। सही, लेकिन थोड़ी गड़बड़ है, लेस की प्राइस 250 नहीं थी, 250 थी चीज की प्राइस, ये गलत आ रहे हैं। सही, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको देखते हैं क्यों गलत आ रहा है। मैक्स तो ये हमें लाके दे देगा मैक्स प्राइस, इसी तरह मिनिमम है जो हमें मिनिमम प्राइस लाके दे देगा। मिनिमम 25 इसमें से, ठीक है। तो ये मैक्स और मिन के दो काम ये हैं। इसके बाद हमारे पास काउंट का फंक्शन है, जिसमें कोई भी कॉलम नेम हम दे दें ये बता देगा काउंट करके कि वो कितने नेम्स हैं हमारे पास। तो मेरे पास 5 नेम है, 5 प्रोडक्ट्स। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि मैं आगे इसको कंडीशन लगा के चेक कर लूं, काउंट करके लाए वेयर प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 50, ऐसे काउंट करके ले आए कितने आइटम है जिनके पैसे 50 से ऊपर है प्राइस, तो सिर्फ दो हैं, देखें 220 250, दो के प्राइस ऊपर है, काउंट करके ले आया दो। ठीक है, काउंट हमारे कहां काम आ सकता है, ये देखो एक हम टेबल बनाते हैं लॉगिन के नाम से, जो हमारा पासवर्ड वगैरह लॉगिन सेव होते हैं ना इस टेबल में होते। इसमें मैंने एक यूजर आईडी दी, वाचर कोई भी, पासवर्ड दिया वाचर, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट मी और सब चीजें जो देनी है इसमें दे सकते हैं। फिलहाल मैं फुल नेम दे रहा हूँ सर, जो इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल में आती है वो यहाँ आ जाएगी। ये लॉगिन टेबल क्रिएट हो जाती है, इसमें अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ कोई वैल्यूज, एक मैंने यूजर आईडी दी, पासवर्ड दिया, ये एक रो आ गई हमारी,
दूसरा रख दिया कोई, दूसरी को सिलेक्ट करके देखते हैं डेटा क्या है। वो मेरा दो दफा हो गया था एग्जीक्यूट। अब इसमें ये डेटा है मेरे पास। अब हम जावा का या किसी भी उसमें फ्रंट एंड बनाते हैं जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर होता है, चेक कैसे करेंगे कि इसमें वो मौजूद है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं, लॉग इन करने दे या ना। उसके लिए हम क्यूरी लगाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट काउंट, कोई भी कॉलम नहीं, यूजर आईडी फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर आईडी इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही होगी, टेक्स्ट फील्ड से हमारी बाद में, अभी तो मैं यहाँ डायरेक्ट दे रहा हूँ, जैक्सन एंड पासवर्ड इक्वल टू एबीसी। अब अगर ये क्यूरी मुझे वन रिटर्न करती है इसका मतलब वो मौजूद है, डेटा है इसमें, एक ले आई ऐसा डेटा जिसका यूजर नेम और पासवर्ड ही है। अगर इसमें कोई ऐसा डेटा जिसका यूजर नेम और पासवर्ड ये नहीं है तो जीरो आ जाएगा हमारे पास। तो हम जावा के प्रोग्राम में चेक कर लेंगे, रिटर्न क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इसका मतलब ठीक है ये लॉग इन कर सकते हैं, नहीं आ रहा है जीरो। ये क्यूरी काउंट की वहां काम आ सकती है हमारे, सही है, काउंट के बाद हमारे पास फंक्शन है जो कि ऐसे हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें जो है ना वो हम जावा में कर सकते हैं। इसमें लेंथ का फंक्शन है जो कि आपको कैरेक्टर बता देगा टेक्स्ट के, कितने कैरेक्टर, नहीं जावा में भी कर सकते हैं। ट्रिम का है वो जावा कर सकते हैं, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो इसमें वो सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये लेंथ का फंक्शन लेंथ की तरह है, ट्रिम का फंक्शन ट्रिम की तरह है, ठीक है, सारे वही फंक्शन है। हमें जो देखना है वो ये है कि हम सम करते हैं प्रोडक्ट प्राइस वेयर प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये टोटल सम लेके आ रहा है, ठीक है। अब इसको यूटिलाइज करते हैं दूसरे तरीके से। इसमें कौन सा टेबल बना हुआ है मेरे पास, स्टूडेंट्स का बना हुआ है एक, देखें नेम सिटी और एडमिशन फी तीन चीजें हैं इसमें। इसमें कोई डेटा इंसर्ट करते हैं हम, स्टूडेंट्स वैल्यू नेम सिटी, ठीक है, ये डेटा इसमें इंसर्ट हो गया हमारा। अब अगर मुझे फीस का सम चाहिए तो फीस का सम सिंपल आ जाएगा मेरे पास सम का फंक्शन लगा के। लेकिन अब इसमें मैं कह रहा हूं फीस का सम लेके आए इंडिविजुअल सिटीज के हिसाब से, कैसा लिखा हुआ हैदराबाद की फीस इतनी बन रही है, कराची की टोटल इतनी बन रही है, ग्रुप बना दें सिटीज के हिसाब से। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सिलेक्ट सम एडमिशन फी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये तो वही फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये तो वही क्यूरी है जो अभी तक पढ़ी है। आगे लिखेंगे ग्रुप बाय किस कॉलम से, सिटी कॉलम्स, कॉलम नहीं। अब ये हमें ग्रुपिंग लिखे आ जाएगा उसके हिसाब से, एडमिशन एडीएम इस हिसाब से। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कौन सा किसका है, तो साथ में सिटी का कॉलम भी ऐड कर देते हैं। अब इंडिविजुअल सिटीज के हिसाब से सम करके ले आएगा ग्रुप बना के, ग्रुप बाय
सिटी किया, जहां जहां हैदराबाद मिला वहां हैदराबाद के समय ऐड करता गया, जहां कराची मिला कराची कर दिया, लाहौर मिला लाहौर कर दिया। ये काम हमने जावा में किया था एक दफा याद है। हाँ तो इसमें एक क्यूरियस हो जाता है ये काम, उसमें हमने वो एरर लिस्ट बनाई थी दो सब किया था वो। तो ग्रुप बाय का फंक्शन आप जिस उस पर लगाएंगे, अगर मैं ग्रुप बाय नेम कर देता हूँ सेम नेम होंगे तो उनकी फीस ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, सेम नेम अभी है ही नहीं इसमें कोई, यहाँ कॉलम नेम का ऐड कर दूंगा। ठीक, ग्रुप बाय का रूल ये है कि इसके साथ आपको लाजमी फंक्शन यूज करना है, आप बगैर फंक्शन के ग्रुप बाय यूज नहीं कर सकते। अगर आप बगैर फंक्शन के इस तरह से ग्रुप बाय यूज करोगे ऐसे करके यूं, तो आपको इस तरह डेटा आएगा, लेकिन इसमें सिटी यूज करते हैं, एडमिशन तो चले ज्यादा थे हमारे पास, सिटी यूज करके देखते हैं। इसमें आपके पास वो रिकॉर्ड करेक्ट नहीं आएगा, ये लाइन बाय लाइन बस रिकॉर्ड दे देगा, सिटी से ग्रुप बनाएगा सात लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड दे देगा, 5,000 हुए उनको सम नहीं करेगा, 3 के मैच हुए बाकी जितने 2 एक्स्ट्रा है वो हटा दिए इसने, वो दिए ही नहीं। तो हमें इसको लाजमी ग्रुप बाय के साथ यूज करना है, सॉरी सम। अभी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें ये मसले हमें आते हैं कि एरर ऐसी चीजों पे नहीं आएगा हमारा, जैसे ही मैंने यूज किया एरर नहीं आया, रिजल्ट खराब आ गया, चला देता ही है, हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय का क्लॉज है, ग्रुप बाय इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सम के साथ यूज हो सकता है ये, किसी भी फंक्शन के साथ, काउंट के साथ, मैक्स के साथ, मिन के साथ। सेलेक्ट में लास्ट आपका जो है वो ये है कि अगर मेरे पास इसका डेटा है प्रोडक्ट्स का और मैं सॉर्टिंग करना चाह रहा हूं किसी नाम से सॉर्ट होके आए या नंबर से सॉर्ट होके आए, तो इसमें ऑर्डर बाय लिखूंगा, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, ये नेम से सॉर्ट कर देगा, डेटा लेके आएगा सॉर्ट करके नेम से, सबसे पहले नेम सी आता है के। अगर इसमें मैं प्राइस लिख दूंगा तो मिनिमम टू मैक्सिमम, ये सबसे छोटी प्राइस है सबसे बड़ी प्राइस। ठीक है, इसके आगे एक कीवर्ड और लगता है डीएससी डिसेंडिंग, कि भाई लेके आए डिसेंडिंग ऑर्डर, अब ये प्रोडक्ट नेम लेके आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए, इसकी जगह अगर मैं असेंडिंग लगा दूं एएससी, ये असेंडिंग में ले आए लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लाता है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, असेंडिंग आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। सही, कोई कंफ्यूजन इसमें आप? डेटाबेस क्लियर पूरा तो नहीं, कुछ है चीजें हैं, ये क्यूरीज यही है, जो क्यूरी है ना इनका काम यही है। इसमें एक चीज होती है क्यूरी होती है ज्वाइन की, ठीक है वो अभी आप बतानी है आपको, और एक है फॉरेन की और प्राइमरी, फॉरेन की जो हमने बनाई थी कल, फॉरेन की बनाने का है, फॉरेन की कल बता देंगे, फॉरेन की ज्वाइंस, और इसके बाद एक आखिरी ओवरव्यू में दूंगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हम बनाते किस तरह है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसको नॉर्मलाइज कैसे करते। हाँ इसमें डायरेक्ट क्यूरी की कर सकते हैं, लेकिन वो जावा में आपको आना चाहिए ना उसमें क्यूरी होगी, इसलिए क्यूरी हम बताते हैं, वरना यहाँ सब चीजें मौजूद हैं, आप फाइल में न्यू में टेबल में जाएंगे सब जाएंगे ना, ये सारा काम आपका ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन क्यूरीज आनी चाहिए क्योंकि क्यूरीज के थ्रू काम हम करेंगे आप फ्रंट एंड्स। ठीक है, तो कल मैं